अपना जीवन का सब कुछ दाव पर लगाए। 13 महीना से हम पैदल चल रहे हैं, वोट नहीं मांगते हैं, चंदा पैसा लेते नहीं हैं, घर घर जाकर किसी का मदद नहीं कर रहे हैं। आपको बता रहे हैं कि जिस गरीबी और बदहाली में आप पिछले 50 बरस से जी रहे हैं, इससे आप बाहर कैसे निकल सकते हैं। आपको लगता है कि कोई नेता आ जाता, कोई सरकार ऐसी आ जाती कि आपका गरीबी सब परेशानी दूर हो जाता है। इसी चाहत में पिछला 75 साल से आप मूर्ख बनाए जा रहे हैं। 40 बरस तक आपने कांग्रेस को वोट दिया, फिर 15 बरस लालू जी का लालटेन लेकर घूमे, 17-18 साल से आपने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया है। दिल्ली में हम लोग मोदी जी को भी बैठा कर देख लिए, लेकिन बिहार और बिहार के बच्चों का भला नहीं हुआ। तो अब अगर प्रशांत किशोर आए हैं, हम पर भरोसा कीजिएगा, हमको वोट दीजिएगा, तो इसका क्या गारंटी है कि हम आपको धोखा नहीं देंगे। हम भी वोट लेकर चले जाएंगे तो आपका काम नहीं करेंगे, इसीलिए हम वोट मांगते ही नहीं हैं। आपको ये बताएंगे अभी 10 मिनट में कि आप अपने गरीबी से कैसे निकल सकते हैं। आपको वो मंत्र सिखाने आए हैं। आपको वोट जिसको देना है दे दीजिए, अगर बात आप समझ जाइएगा तो और कुछ हो चाहे नहीं, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई और रोजगार हो जाएगा। आप हमारी बात को सुनिए, समझिए, ठीक लगे तो अपनाइए, और ना ठीक लगे तो जैसे जिंदगी चल रहा है वैसे चलाइए। देखिए, आपको लग रहा है कि हमारा गरीबी खत्म नहीं हो रहा है, कोई कह रहा है कि भैया नाली गली बनवा दीजिए, कोई कह रहा है पेंशन दिलवा दीजिए, कोई कह रहा है कि भैया अस्पताल नहीं है, बड़ा भ्रष्टाचार है, सारी समस्या है। रोज आप बात भी करते हैं, हम यहाँ गांव में आए हैं तो आज एक दिन देख रहे हैं, कुछ लोग हमको बता रहा है। आप लोग तो यहीं रहते हैं, कौन ऐसा समस्या है जो आप नहीं जानते हैं? आपके गांव में कौन नहीं जानता है कि यहाँ बच्चों के पढ़ने का व्यवस्था नहीं है? सबको पता है। किसको नहीं मालूम है कि यहाँ रोजी रोजगार नहीं है? ये भी सबको मालूम है। सबको मालूम है कि कोई सरकारी काम कराने जाइएगा तो बिना पैसा घूस दिए काम नहीं होगा। आपको ये सब बात पता है, लेकिन जब आप वोट देने जाते हैं तो ये सब बात आप भूल जाते हैं। मान लीजिए कि हमारे जितने यहाँ मुसलमान भाई लोग हैं, ये लोग 5 बरिस बैठ के कहेगा ए भैया यहाँ रोड नहीं है, तो सड़क का मंत्री कौन है? तेजस्वी यादव। आप कह रहे हैं कि भैया अस्पताल नहीं है, तो स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तेजस्वी यादव। आप कह रहे हैं कि नाली गली नहीं है, तो ग्रामीण कार्य मंत्री कौन है? तेजस्वी यादव। आप कह रहे हैं कि बच्चों के लिए पढ़ाई नहीं है, तो शिक्षा मंत्री कौन है? चंद्रशेखर यादव। तो 5 बरिस आप बैठ के बतियाइएगा कि सड़क नहीं है, नाली गली नहीं है, अस्पताल नहीं है, स्कूल नहीं है, और जिस दिन वोट देना होगा तो कहिएगा कि भैया भाजपा के डर से, भाजपा को तो दे नहीं सकते हैं, तो फिर लालटेने को जाके दीजिएगा। तो ये तो बंधुए मजदूरी ना है। आपको मालूम है कि आदमी ने काम नहीं किया है, नेता ने काम नहीं किया है, फिर भी भाजपा के डर से आप लालू को वोट देते हैं। वही दशा हिंदुओं का है, जिसको साल भर परेशानी है, भाजपा के विधायक को बैठ के गाली देते हैं, अब की हाली सांसद को वोट नहीं देंगे, 5 बरस इसने मुंह नहीं दिखाया है, और कल 6 महीना के बाद चुनाव होगा तो कहिएगा कि बाप रे बाप, लालू नहीं आना चाहिए, तो लालू के डर से उसी सांसद, उसी विधायक को जाकर वोट दीजिएगा। तो बिहार में कुछ लोग जात के नाम पर बंधुआ मजदूर बन गया, कुछ धर्म के नाम पर बंधुआ मजदूर बन गए, कुछ लालू के डर से भाजपा के बंधुआ मजदूर बन गए, आ कुछ भाजपा के डर से लालू के बंधुआ मजदूर बन गए। तो बंधुआ मजदूरों के समाज में बच्चे डॉक्टर इंजीनियर कलेक्टर नहीं बनेंगे, आपके बच्चों को मजदूर ही बनना पड़ेगा।
यही बिहार की दुर्दशा है। आपको सब पता है, लेकिन आप अपने अपने और अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट नहीं देते। तो हम जो रास्ता में चल रहे हैं, 4000 से ज्यादा गांव में पैदल गए हैं, गांव गांव जाकर क्या कह रहे हैं, आपको एक के बात समझा रहे हैं। अगर आप अपना और अपने बच्चे का चिंता नहीं कीजिएगा तो कोई दुनिया में आपके बच्चे का चिंता करेगा भाई? काहे करेगा? हम अभी आपके गांव में आए हैं, 100 बच्चा हमको रास्ते में मिला होगा, आधा से ज्यादा बच्चों के शरीर पर कपड़ा नहीं है, आपके छोटे छोटे बच्चों के पैर में चप्पल नहीं है। आपको अपने गांव में बैठे बैठे भारत पाकिस्तान समझ में आ रहा है, पुलवामा हो गया ये बुझा रहा है, लालू जी का लड़का कैसे मुख्यमंत्री बनेगा समीकरण आपको बुझा रहा है, मोदी जी का 56 इंच का सीना दिख रहा है, अपने बच्चे का दुर्दशा नहीं दिख रहा है। तो आपका बच्चा नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा? यहाँ आप जितने लोग आए हैं, अभी आपका जो दशा है इसका कारण क्या है आपको 1 मिनट में समझाएंगे। सब आदमी को एक सवाल का जवाब देना है, सबको हाँ चाहे ना बोलना है, हाथ उठाकर सबको बोलना है, और आपको आईना के तरह दिखेगा कि आपका दुर्दशा क्यों है। जरा सोच के बताइए, आपके गांव में और कुछ हो चाहे नहीं, सभी के बच्चों के पढ़ने के लिए अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? सबको हाथ उठा के बताना, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हम नहीं बोले हैं, आप लोग अभी कहे हैं, सब लोग देखा है। आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जो खुद पढ़े लिखे नहीं है, कोई अगड़ा है, कोई पिछड़ा है, कोई हिंदू, कोई मुसलमान, कोई महिला, कोई पुरुष, कोई धनी, कोई गरीब, लेकिन हर आदमी को ये पता है कि ना भैया, पढ़ने का व्यवस्था तो होना ही चाहिए, सबको मालूम है।